महाराज बैठीन बाद दमयंती रानी तो चेती न करके मायने बैठा है विश्व बहु राजा की रानी के पास में रहवा लग जाए ने। और भी टाइम के मायने राजा नल भी दमयंती ने छोड़ रवाना हो ने तो भी के मायने देखो काई दिक्कत आवे जाए। अरे मत गर्व कर नरेश भी समय की बात, अरे मत गर्व कर नरेश भी समय की बात, मत गर्व कर नरेश समय की बात, मत गर्व कर नरेश समय की बात। आज राजना हो ना राजा बिखा में पट कर यो दीदी आगे वो रवाना भजरी को आधो वस्त्र काट और रवाना हुए तो आगे जंगल के मायने आग लाग रही बहुत जबरदस्त। हर की आग के मायने से आवाज आ रही कि नल राजा तुम्हारा प्राण बचा जा। दमयंती ने छोड़ विकंड बन चलो निषद नल राज, ओ नल राजा प्राण बचा जा काना पड़ी आवाज, री 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 काना पड़ी आवाज। आज लागी अग्नि वन में सर पे यूं जोड़ नल ने हाथ, श्राप दे रखे थे तो मैं जगह से जो आगे रगस को एक ही जगह पड़े रहो महाराज अः वो श्राप दे दियो मैंने नारद जी तुझे का श्राप का कारण से मैं बहुत दुखी छू तो महाराज ते मैंने था हाथ में उठा अरे आग से दूर आग ले जा मंदिर दे अर्था का फायदा के लिए मैं थोड़ा मारो वजन हल्को कर दे अंगूठा के समान हो जाऊ लो लेकिन थी मैंने उठा दूसरी जगह रख दे मारा चलो सा खटो अंगूठा के समान हो गो राजा नल भी ने हाथ में ले अर्जा बाला की जना राजा नल तू गिण तो चाल पैंट गिने एक दो तीन चार ये गिण तो चाल जिया चाले जिया तो वो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ये गिणे ने खट गिने दस लियो राजा नल तो सारो शरीर कालो पड़ो। राजा नल देख रो बोलियो कहते यार मैं देख थारो अच्छो काम करो थारा प्राण बचा यार तू यहाँ का अन्याय करी यार मारे साथ हो तो मैंने डस लियो यार। राजा नल तू घबराओ मत बात सुन मारी एक कदम ना चलो जाए भी नर्द मुनि को साप होयो अंगूठा मान पैंड महाराज गिणो दसया री 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 महाराज गिणो दसया अज डस लियो जी नल ने दस लियो जी नल ने दस लियो जी नल ने तन मन राखो जरा शांत मत गर्व कर नरे समझी समय की बात, मत गर्व कर नरे समझी समय की बात, मत गर्व कर नरे समझी समय की बात, समय समय राजा मैं तेरी कण सुन डू की थारो रंग कालो हो ने तो तन आपको संसार में कोई पहचान लोगो ने और तू खटवी जार कोई भी राजा का नौकरी कर लायक हो जाए
श्याम रंगे नल हो गयो नर ना कोई जानेगो हर मारा विष्णु दग्ध जाए वो कलयुग दुख पाओ और तारा शरीर के मायने जो कलयुग प्रवेश करवे लो जने तो मारा जहर सिंचने जो वो बहुत दुखी हो जाए लो और जल्दी जल्दी निकल भाई कोशिश करे लो। और अब तू एक काम करे अयोध्या नगरी के मान चले जा बैठो राजा जय ऋतु प्रण अर भी कनजार तो नौकरी करवा लग जा अर थारो नाम बता दे बाहुक राजा नल मत बता जी क्या ठीक महाराज। और की बात ये की जाए तू बैठे जा रही कह दे कि महाराज कोई भी थे संसार में जितना भी काम छे वो सारा ही काम क्यों कोई भी काम को ऊपर छोड़ दो मैंने क्यों भी काम करवा लियो हर मारे समान छे गारंटी ले लीजिए तू तो की को संसार में कोई इन्हें को काम करवा लो चाहिए कोई सही को ठेको तो महाराज रसोई बनवा लियो चाहे घोड़ा चलवा लियो क्यों भी काम करवा लियो तो कहते महाराज मारो यो रंग सदाई कालो ही रह लो कहेंगे नहीं कालो कौन रे जा एक कपड़ो दे दियो भी ने ये कपड़ा ने वोट कोई समय के मायने दमयंती से थारो मिलाप है ने वी दिन तुमने याद कर लीजिए तो याद करते हैं थारो वो पहला लो रूप हो जाए द्वितीय वस्त्र ओट याद कर होवे सुंदर शान जान जाए दमयंती यूं खे हो गो अंतर ध्यान चलो साहब वो अंतर ध्यान हो जाए सरफ और वो बैठे पूछ को साहब अयोध्या नगरी के मायने ऋतु कुंड राजा कर तो बटे जार खरे जे की अश्रु कला में मारे जे सो ना धरणी पर और रख लियो राजन सेवा हाजी अर्ज करूं कर जोर की महाराज मैंने आपकी सेवा खातिर राख लियो मारे समान संसार के मायने कोई घोड़ा चला बड़ो कौन और दूसरो महाराज भोजन बनावा के मायने में कौन चाहे मारे से भोजन बनवार चाख लियो तो राजा भी भोजन बनवार चाखे तो बहुत ही स्वादिष्ट लागे। ऋतु प्रण प्रसन्न हो कियो आदर सत्कार वेतन कियो मजूर साल की मुद्रा 10,000 तो साल की 10,000 मुद्रा मंजूर कर लेनी साहब की तनखा वास्ते और भी किसी बात है दो और सारथी और संभला दिया भी ने एक तो वो वासरण है जो राजा नल को खुद को ही तो सारथी हो वो भी बैठाई नौकरी कर रहे जो हर एक ऋतु पण राजा को खुद को अलग से सारथी जो जीवल तो वासरण है जीवल का ये दो और सारथी थारी सेवा का मैं हाजिर से और यहाँ के साथ में तू भी रहे। तो राजा नल रोजी ना शाम ने सोती टाइम के मैंने कम्बल के ओढ़ और कम्बल के मैंने एक श्लोक पढ़ दो भी दमयंती ने याद कर कर पढ़ दो राजा नल हर शाम एक श्लोक फटे कंबल में भूखी प्यासी नार कहां पर सोई रही जंगल में तो बिन औरत नहीं आपकी नहीं याद करे तो वे दो और सारथी था ना वासरण जीवल वो जीवल देखकर बोले कि यार तू रोज ना शाम ने सोती टाइम के मैंने यो कई श्लोक पढ़े जे राजा नल हर शाम एक श्लोक फटे कंबल में भूखी प्यासी नार कहां पर सोई रही जंगल में वो कई श्लोक पढ़े जे तो राजा नल यहां पर्दा से बात कहती नहीं कचरे यार ये बहुत अन्यायी आदमी जो आपकी बिचारी निर्दोष पतिव्रता सतवंती औरत ने जो जंगल के मायने छोड़ चले गए तो वो भी भयानक जंगल के मायने तो मैं वी को फिक्र कर रही हूँ कि पीछे आपड़ी के मायने बीवी की बीवी की हालत हुई वेली वे जंगली नार वगैरह भी ने खा गए आरवी के मायने कहीं विपता पड़ी हुई वी को चिंतन करवा लग जाऊंगी यार मैं रोजी वा दिल ना दिल अंदर चैन रैन बेचैन करे नल चिंतन बिन दमयंती स्वाद लगे ना सब 3600 व्यंजन अरे मत गर्व कर रे नारी संगी समय की राजा तो बैठा अयोध्या में ऋतु कुंड राजा का नौकरी कर लग जाए जे दो चीज की गारंटी कर ली नहीं वो एक तो कि महाराज घोड़ा चलावा का मैंने मारे मुकाबले संसार में कोई कौन है और रसोई भोजन बनावा का मैंने भी संसार में कोई कौन है आया दो शर्तों के ऊपर बैठे 10,000 मुद्रा साल की के ऊपर मंजूर है अरसा नौकरी करवा लागू अब बठी ने
दमयंती का माँ बाप छाने वहां के रात दिन फिक्र होगो। तो आपका बड़ा बड़ा जो ब्राह्मण पंडित लोग छाने कुंडिन पुरुष का वन बुलवा लिया और देखो राजा काई बात घेरे जवाने पतो लगाओ दमयंती नर को पतो लगाओ दमयंती साथ में एक सहस्त्र गाय करज नहीं रखू मनत का फल को करज नहीं रखू मनत का फल को कि जो भी कोई पतो लगाओ लो ने दमयंती को नल को जिन्हें पांच तो गांव दे दू लो जागीरी का और सात के माने 1000 गाया कर्ज नहीं रखू मेहनत का फल को मैं मुख्य सच्चो वचन खयो पंडिता ने राजा हुकम दियो। तो ब्राह्मण लोग देश देश के माने जाए लेकिन नल दमयंती को कोई खबर पतो मालूम की को नहीं। ब्राह्मण देश देश जाया कुछ खबर पता ना पाया अजीब ढूंढाया सारो हलको जी ढूंढाया सारो हलको सुदेव ब्राह्मण गमन होगा लेकिन कोई खबर को न मालूम हुई। जना महाराज एक सुदेव नाम को ब्राह्मण जो वो चेदी नगर के मान पहुंच गो तो भी ने दमयंती महल के मान खड़ी दिखी। सुबह राजा की जो लड़की थी ने सुनंदा भी की साथ के मान खड़ी दी। तो ब्राह्मण तुरंत ही पहचान को भी ने किया तो आपने राजा की लड़की जो भीम राजा की लड़की दमयंती रूप अनूप कमल सान ज्यू राहू को चंद पे ग्रहण बदन बदल को दुख दुर्बल को बदन बदल को दुख दुर्बल को ब्राह्मण को आयो जातो ही। बाई सुन दमयंती बात रोवे मात पिता दिन रात लाल थारा चैन लेवे ने पल को लाल थारा चैन लेवे ना पल को माता बिन नैना नीर भयो
भाई सुन दमयंती बात, रोवे मात पिता दिन रात, लाल धारा चैन लेवे न पलको। मतलब दोनों लड़का लड़की छाने इंद्रसेन और इंद्रसेना, वह बटन ननियाल में तो छा ना दे तो कि भाई थारा वे दोनों लड़का लड़की छे वह भी थारे बिना बहुत ही बेचैन हो रहे थे, रात दिन मामा करता रहे थे। लाल थारा चैन लेवे न पलको, माता बिन नैना नीर भयो, पंडिता ने राजा हुक्म दियो। या सुन कुंदर जो कुरलाई रानी बहाग महल सुनवाई, भेद बताओ काम नहीं छलको, रो रही माओ सी सोर भयो। तो साहब इतनी बात सुनता है दमयंती रो वाला की सुबह राजा की रानी भाग रहा हो जे भी ब्राह्मण देख के कहते कि पंडित जी महाराज माना भी तो बताओ काई है कि तीन बात कर दीजिए, रो वाला की या कौन से खटेगी लड़की से सारो कोई पता ठिकाना बताओ। ब्राह्मण सारी बात कह देने की महाराज या राजा भीम की लड़की से दमयंती को नाम से। तो वह सुबह राजा की रानी भी खास मावसी थी दमयंती की, बेटी भीमराज की जाई निषद का नल राजा ने ब्याई, देख ली लाट पचिन एक तिल को रंग महला माई उछब हुयो। तो भी कहा लीलाट को ऊपर सुंदरता को एक अया को तिल को निशान जाओ। तो भी कहा चेहरा वेरा ना दौर भी तिल न देखे जे तो देख रहा मावसी भी रोवा लाग। तो कि महाराज अब कहीं कम जा फरमाओ क्यों कम कहें कि महाराज इन ले जाऊ लम में। तो वह सुबह राजा की रानी आपका सिपाही साथ में भेज दिया रथ सुखवा दियो, और निका धूमधाम से गाजा बाजा की साथ के मैंने भी नहीं कुंडिन पर शहर के मैंने पूजा हो जाए जाता है। माँ बाप सब देख रोबा लाग गा, बोलिए मुंह खोल पाई क्या न दुख पाई, बोलिए मुंह खोल पाई क्या न दुख पाई, होगा थारा माँ बाप और भाई, रो पागल होगा थारा माँ बाप और भाई, रो पागल होगा थारा माँ बाप और भाई, रो पागल होगा थारा माँ बाप और भाई, बोलिए मुझे भाई जाने दुखे भाई, अजले बच्चा ने गोदी माई गुजर क्यों कुरलाई, बच्चा ने गोदी माई गुजर क्यों कुरलाई, अजी छोट गो बन माई थारो लाड लो जे माँ पापा से मिलाप हो जाए दमयंती को। और अभी दमयंती माँ ने देखकर बोली कि ले माँ तुम्हारो तो पतो लगवा लियो, लेकिन नल राजा को भी जल्दी जल्दी तू खबर पतो मालूम कर, नहीं मैं खत्म हो जाऊंगा। रानीदार राजा ने कहते कि महाराज आपना भी जमाई को भी पतो लगाओ राजा नल को। तो राजा लोग पंडितान तैयार कर दिया कि जाओ भाई पंडितों राजा नल की भी खबर लगाओ। जाती ट्रेन में ब्राह्मण लोग दमयंती देखकर बोले कि भाई ले कोई अगर यहाँ को कोई मिल जाए तो कोई समाचार भेजना भाई, कोई बात खड़ी तो मान बता दे। तो कि भाई एक काम करो यो छोटो सा था ना मैं श्लोक बताऊं, भी श्लोक याद कर लियो और जगह जगह से ना एक तरह से कोई भजन मंडली सी बना लियो, और भी छंद ने जगह जगह सुनाओ राज में लामा दरबार में जा रहे को आदमियों को झुंड है बैठे सुना तारो, और जो कोई जवाब देने मैंने वापिस भी को तो मैंने वापिस आते जवाब दीजिए। तो कहीं छंद बता रही जवान ब्राह्मणा ने आधी शादी काट ले गया, अजी आधी शादी काट ले गया, दया ने आई दिल माई तन दया ने आई दिल माई, क्यों सुती ने छोड़ गया किया मैं अपराध की ओ काई, आधी शादी काट ले गया। सब मिलकर मारी नारी बेहद दुखदाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध की ओ काई, ओ आज काली फाड़ दे क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध की ओ काई।
मछली तरसाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। मेहर करो पत्नी पर पिया माबिन अजी, कुछ मेहर करो पत्नी पर पिया ना बिन जीवित रहनाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। हर तरह सुरक्षा रख नारी की सास करूंगाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। आदि शादी काट ले गया, आदि शादी काट ले गया, तैयार आई दिल माई, तैयार आई दिल माई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। तो भी छंद ने वे ब्राह्मण लोग जगह जगह सुनाता रिया, सुनाता सुनाता बटे ऋतुपर्ण राजा के चलेगा बटे अयोध्या नगरी के मैं बटे जार वो श्लोक सुनायो। विछंद ने सुनता ही बटे वो बाहु सारथी छोई राजा को, तो वो उत्तर दियो। अर भी उत्तर ने सुन वे अर दमयंती ने वापिस वापिस जवाब दे जे कि एक ऋतुपर्ण राजा का दरबार में एक सारथी जे बाहु नाम को, रंग को तो भी यहाँ कालो जे, लेकिन वो ही उत्तर दियो और इस लोग को कोई भी उत्तर कौन दियो। और वो रो रो छने मन बहुत समझाया, संकट में सब दुख भोगे नारी सत्री कुल की जाई, आदि संकट में सब दुख भोगे नारी सत्री कुल की जाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। आदि साजी काट ले गया, आदि साजी काट ले गया, जवाब दिए वो। जद विपत पति में पड़ती दिल क्रोध जरा ना करती, विमान कष्ट में छोड़ नार ने सदा साक्षी रघुराई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। पति के मान विपता पड़ जाए ने तो पति व्रता औरत दिल के मान जरा भी क्रोध कौन करे, अरबी कष्ट ने सारा नहीं सहले जे, अरबी पति के मान वो महान कष्ट पड़ गो नहीं कान से बिन छोड़ देनी। जद पक्षी लेगा मस्तर कुछ खारो देगा उत्तर, जद पक्षी लेगा मस्तर कुछ खारो देगा उत्तर, अरे राज पाट धन धाम मर्द का छीन लिया कपटी भाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। ओ आदि शादी काट ले गया, आदि शादी काट ले गया, चाहे सुख दे संकट में माफी कर दे, दुख सागर में डूब गयो मन बात बहु क्यों बतलाई, क्यों सुती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो काई। आदि शादी काट ले गया, आदि शादी काट ले गया, पति दुख दे चाहे सुख दे संकट में माफी कर दे, आया जब वो बाहू को बात कही, अरे मैंने और ज्यादा कष्ट भी कहीं बड़े लो, जद शरीर के ऊपर आधो वस्त्र जो भी आधा वस्त्र में पक्षी ले रोड़गा, जद पक्षी लेगा वस्त्र कुछ खारो देगा उत्तर, राजपाट धन धाम मर्द का छीन लिया कपटी भाई,
क्यों सूती ने छोड़ गया पिया मैं अपराध कियो भाई। बराया नैन में आंसू दमयंती घर ही मासू। तो मां ने देखकर बोली की ले मां कुछ थोड़ो सो बहम मारे वी रितुपन राजा का जो वो सारथी से न बहु के नाम को वी के ऊपर रिजविया रंग को तो वो कालो बताओ से लेकिन मीन में देखो चाहू तो भी से बात कर लियो जद मारा तसल्ली आवे क्यों संसार में और कोई भी कोई उत्तर कौन दिए भी श्लोक। तो की बेटी बोल काय उपाय बता कोई काय तरह से भी ने बुलावा कि तू पिताजी ने तो मालूम न पढ़ना चाहे जे और आपने कोई भी सिपाही ने भेज दे रही या खबर सुना दे बैठे रितुपन राजा ने जात कि महाराज काल दमयंती स्वयंवर रचावेली और ते आज शाम ने पूछो बट अर काल सूर्य को उदय होता ही तो वह दूसरो पति चुन ले ली क्योंकि राजा नल मिले कौन। तो बैठे अगर वो हकीकत में राजा नली हो लो बहुक नाम को जिसको बहम हो रहे थे तो राजा नली हो लो तो वो एक दिन के मायने ठा जाए लो नहीं तो और कोई राजा की ताकत बन। तो भी कितने परीक्षा कर ले चालो सा खटवे सिपाही दमयंती की आज्ञा ले अर बैठे अयोध्या नगरी के मायने जा हरी तू पण राजा ने जार कहते कि महाराज मैं कुंडिनपुर शहर से आया जा और महाराज भीम राजा की लड़की दमयंती दूसरो स्वयंवर कर रही जे काल सूर्य को उदय होता है दूसरो पति चुन ले ली तो एक दिन पहले पहुंचबो जरूरी था आज शाम ने बैठे पहुंचो तो वो सुबह तो खबर सुना रही थी शाम के लिए बुलवा रही कि आज शाम ने पहुंचो कल सुबह पति चुन ले ली फिर जल्दी जल्दी महाराज अगर पहुंच सको तो स्वयंवर में आपको निमंत्रण है महाराज। दमयंती का नाम से राजा कुछ तो हो रही तू पण राजा पण मन के मायने दुखी हो गई यार एक दिन के मायन अया को पहुंचे अपने यहाँ का घोड़ा अपने कंजे एक ही दिन बैठे कुंडिनपुर शहर पहुंच जाओ बहुत काफी दूर जगो। लेकिन राजा ने कुछ ख्याल आयो रे अपन भी ने भी बहुक ने खेरा की जर बहुक भी अपन खेरा की जगी मारा समान कोई संसार में घोड़ा चला बड़ो बहुक ने बुलाऊ बहुक ने खट बुला के जरे भाई तू मन जीतनिया कहते ना कि महाराज कोई संसार में कोई मारे समान घोड़ा चला बड़ो। तो कहते यार आज भी खबर तारी बात दुरी बट दमयंती स्वयंवर रसरी जे हर भी स्वयंवर के मायन कहते अपन चाल बो जरूरी जे हो तो कहते महाराज चले था ना राजा भी बात सुन ठंडो को किया रखी कहते मैं तो दमयंती दूसरे स्वयंवर कर रही जगह कर भी सकते लुगाई की जात जे चाल चाल मारा चतुर सारथी तालियां सरसी रे अर रतन तालियां सरसी।